तो अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं ममुना वसीमा। उम्मीद करती हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और अगर नहीं है ना तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद सब लोगों ने ठीक भी हो जाना है और ठाक भी, क्योंकि कोरोना के इस टाइम में ना कोई भी खुश नहीं है, हर कोई डिप्रेशन में चला गया है। सो मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं ताकि आप सब लोगों के होंठों पर स्माइल आ सके। ईद भी सर पर है तो कुछ नया करना भी बनता था। सो जी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी सारी एफर्ट्स लगी हैं। कोविड की वजह से मार्केट्स बंद हैं तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग का सहारा लिया मेकअप को कलेक्ट करने में। और इस मेकअप लुक की सबसे खास बात यह है कि पूरे का पूरा मेकअप मैंने सिर्फ एक ब्रांड का ही किया है, और वो ब्रांड कौन सा है और क्वालिटी कैसी है वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताती चली जाऊंगी। खैर, मेकअप के साथ साथ मैं कुछ टेक्निक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आपको जरूर पसंद आएगी और ये लुक भी आपको पसंद आ रही होगी। मैंने इस ईद के लिए शरारा बाय किया था थोड़ा ट्रेडिशनल लुक को फॉलो करते हुए, और कलर थीम भी गोल्डन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि किसी भी फेस्टिव पर या किसी भी ओकेजन पर लोग चूज करते हैं, और ये अपने अंदर एक अलग ही दुनिया रखता है। तो चलिए जी इस ईद ग्लैम मेकअप लुक को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से स्केयर कर लूंगी ताकि वो खप शप ना करें, और सूट शूट भी मैंने ऑलरेडी पहन लिया है। अब मेकअप स्टार्ट करना है जी आईज से। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर लेंसेज अप्लाई कर लूंगी, बाद में हमारा मेकअप शेकअप खराब ना हो जाए, आंखों में पानी शानी जो आ जाता है। बहुत सारे लोग लेंसेज लगाने में बड़ी प्रैक्टिस रखते हैं, मुझे कोई खास नहीं है लेकिन लगा लेती हूँ बस मड़े चंगे। उसके बाद जी मैंने एक एंगल ब्रश की हेल्प से आईब्रोज को फिल अप करना है कुछ इस तरह से। अब मेरा थोड़ा थोड़ा सा दिल कर रहा है जी कंसीलर लगाने को, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ टीवी पार्लर यूएसए का डबल वेयर कंसीलर, बहुत अच्छी कवरेज के साथ है जो आप अभी देखेंगे। पैकेजिंग इज आल्सो गुड, और शेड जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो है जी 23 लाइट बेज। एप्लीकेशन बड़ी मज़े की थी यार, और ब्लेंड भी फौरी हो गया। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ टीवी पार्लर यूएसए का स्टूडियो डिफाइनिंग पाउडर, बड़ी स्मार्ट सी क्रिस्टल पैकिंग में है, अंदर एक छुटकू सा मिरर है और साथ में एक बेहतरीन क्वालिटी का पफ, और उसके नीचे है जी प्रोडक्ट। इसको यहाँ पर लगाना एक बेहतरीन स्टेप है, क्योंकि अगर आप अच्छा क्रीज कलर डिफाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे अप्लाई करें, क्योंकि वेट कंसीलर के ऊपर अगर कोई भी आई शेडो लगाएंगे तो वो पैची नज़र आएगा, इजीली ब्लेंड नहीं होगा। मैं लास्ट टाइम भी ये तजुर्बा कर चुकी हूँ, सो ये बड़ा ही नाइसली अप्लाई हो चुका है। इसके बाद ये अप्लाई करना है आई शेडो उसकी नीटनेस के लिए और शार्प एजेस के लिए। हम यूज़ करते हैं सेलो टेप, और मेरे पास यहाँ पर फिलहाल यही पड़ी है, इसे ही अप्लाई कर लूँगी। अब बारी आती है जी इन खूबसूरत ब्रशेस की जो कि लेदर बॉक्स में हैं, और टीवी पार्लर वालों के ये खूबसूरत मेकअप ब्रशेस जो इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी पैकेजिंग में है, और बॉक्स को खोलने पर हमें मिलते हैं जी 12 बहुत ही खूबसूरत से ब्रशेस जो कुछ इस तरह के दिखते हैं। इन सॉफ्ट ब्रशेस के साथ हम अपने मेकअप को कम्प्लीट करेंगे। अच्छा जी, ये 7 ब्रशेस आई मेकअप के लिए हैं, इनमें से मैं एक बहुत ही चुना मुना सा पेंसिल ब्रश चूज करूंगी आई मेकअप के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ टीवी पार्लर यूएसए का मिनरा बेस ऑफ मेकअप किट, ये आई शेडो पैलेट जो किसी भी ब्रांड का मेन प्रोडक्ट होता है, और इसी एक प्रोडक्ट से किसी भी कंपनी की मेकअप क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर जी, एक पैलेट में 24 शेड्स हैं और मेरे पास इनकी 3 किट्स हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो, इसका मुझे नहीं पता। इसकी मालूमात के लिए इनका पेज विजिट किया जा सकता है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। जाहिर है हर किसी के सूट का कलर डिफरेंट होता है, सो वो अपनी पसंद से कलर पैलेट भी चूज कर सकता है। नंबर 1 चाहिए जी, 2 चाहिए या फिर 3। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डार्क ग्रीन कलर चूज किया और आउटर वी पर अप्लाई करते हुए पूरी आईलिड पर स्प्रेड कर दिया कुछ इस तरह से। फिर एक और गोल्ड शेड को पिक किया और इसे मिड आईलिड पर अप्लाई कर दिया जो कि मेरे ड्रेस कलर से भी मैच करता था। यहाँ पर जी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इन दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड करने में ताकि हार्ड एजेस ना बन पाए। फिर मैंने पैलेट नंबर 1 से एक और ब्राउन शेड पिक किया और इसे इनर वी पर अप्लाई कर लिया आईलिड को फाइनल फिनिश देने के लिए। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करेंगे फाइनल रिजल्ट्स उतने ही कमाल के होंगे, अगर ब्लेंडिंग अच्छी ना हो तो आई मेकअप का टर्न आउट इतना अच्छा नहीं होता। अब बारी आ जाती है जी टीवी पार्लर का प्रोफेशनल ग्लिटर मेकअप किट की। मैंने इस आई मेकअप लुक को स्मोकीनेस के साथ साथ ग्लिटर वाला ग्लैम भी दिया है। इस पैलेट में बहुत मजे मजे के कलर्स हैं, टोटल 18 शेड्स। इसमें से मैंने फिंगर की हेल्प से ये वाला कलर चूज किया है और इसे आईलिड के मिड में कुछ इस तरह से लगा लूंगी। पूरी आईलिड पर इसे अप्लाई नहीं करूंगी, ये ग्लिटर आमतौर पर फॉल आउट करते ही हैं, इसलिए इन्हें इंतहा केयरफुली अप्लाई किया जाता है, और मैं भी यहाँ पर बहुत ही एहतियात के साथ इसे अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको फिर भी जरूरत महसूस हो तो आप लूज पाउडर यूज कर सकते हैं अपनी आंखों के नीचे बेक करने के लिए, या फिर सेलोटेप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ज्यादा फॉल आउट बच सके।
अब है मेरे पास टीवी पार्लर यूएसए का ब्लैक वन शाइन आईलाइनर। ये वाटरप्रूफ है। अब इसे मैं बड़ी ही खूबसूरती और एहतियात के साथ ड्रॉ करूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती चली जाऊँ कि जब हम लोग इस तरह से ग्लिटर के साथ वर्क कर रहे होते हैं तब लिक्विड आईलाइनर ही यूज़ किया कीजिए। कुछ इस तरह का होता है जो, ये बहुत इजी रहता है, वरना ग्लिटर के ऊपर जेल आईलाइनर लगाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर विंग बनाने के साथ साथ एक पॉइंटेड इनर कॉर्नर भी क्रिएट कर लूँगी। लो जी, बस अब इसका काम ख़त्म। इसके बाद इनकी काफ़ी सारी आई एंड लिप पेंसिल्स हैं मेरे पास, जिनमें से मैं एक ब्लैक वाली चूज़ करूँगी काजल लगाने के लिए, और इसे वाटर लाइन पर अप्लाई करते हुए आईलाइनर के साथ मिला दूंगी। अब एक छोटा एंगल ब्रश लेकर ब्राउन कलर का शेड पिक करके लोअर वाटर लाइन पर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। फिर टीवी पार्लर यूएसए के आई लैश कर्लर की मदद से लैशेस को थोड़ा सा कर्ल कर लूंगी ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। अब आ जाती है जी मस्कारे की बारी। ये बहुत अच्छा है यार, इसको लगाने से आपको शायद फेक आई लैशेस की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि ये लैशेस को वॉल्यूम ही इतना दे देता है। मुझे बहुत पसंद आया है टीवी पार्लर का 3D इफेक्ट मस्कारा। वाटर प्रूफ होने के साथ साथ फौरी ड्रामेटिक लुक दे देता है। वेरी नाइस प्रोडक्ट। इसको मैंने अपर एंड लोअर लैशेस पर अच्छे तरीके से कोट कर लिया है, और इसी के साथ साथ फिर मैंने एक साइड की टेप रिमूव कर दी। फिर है जी यहाँ पर मेरे पास टीवी पार्लर बेकिंग आइस हाइलाइटर। ये एक बहुत ही नाइस प्रोडक्ट है। इसे मैं ब्रश की मदद से इनर कॉर्नर पर और ब्रो बोन को हाईलाइट कर लूंगी। अच्छा पिगमेंट है इसका भी। हाय, यहाँ पर आई मेकअप पर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें ये कहती थी कि स्टेप बाय स्टेप बताइएगा, खास तौर पर ईद मेकअप लुक। सो दूसरी आंख पर इतना टाइम नहीं लगेगा, वहाँ पर हम जादू कर लेंगे। ये देखें जी, आंखें हो चुकी हैं जी रेडी। कोई फॉल आउट शॉल आउट नज़र आ रहा है तो उसे भी कवर कर लेते हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अच्छा जी, लुक शुक तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है, पता नहीं अब आप लोगों को कैसी लग रही होगी, शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट्स में। सो जी, अब बारी आती है आईलैशेस की, और वो भी हैं जी टीवी पार्लर कॉस्मेटिक्स की। एक यहाँ पर थिक है और दूसरी नेचुरल लुक में है। सो मैं नेचुरल वाली अप्लाई कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन को ज़रूरत तो नहीं है, आईलैशेस बड़ी कमाल की हैं। नीचे कॉर्नर पर इसका नंबर लिखा है F27। इसे अप्लाई करने के लिए साथ में ग्लू भी है। प्रोसीजर थोड़ा सा लॉन्ग है, जादू करना पड़ेगा। सो जादू करना मेरी मजबूरी है और बहुत जरूरी है। नहीं जी, लग गई आईलैशेस। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि आईलैशेस लगाने के बाद भी आंखें फेक फेक नहीं लग रही, बल्कि बिल्कुल नेचुरली फिट हो गई हैं। अब है जी बारी प्राइमर की। मेरे पास है यहाँ पर टीवी पार्लर का मिनरल इन्फ्यूज्ड फेस प्राइमर। ये प्रोडक्ट भी इनका बहुत अच्छा है। एज यू नो, प्राइमर मेकअप शुरू करने से पहले एज अ बेस इस्तेमाल किया जाता है कि अगर स्किन ना हमवार हो तो बिल्कुल प्लेन हो जाए और फाउंडेशन के लिए अच्छा ग्राउंड बन जाए। सो मैंने थोड़ा सा प्राइमर लेकर फेस पर अप्लाई कर लिया है। प्रोडक्ट अच्छा है, इसलिए इसकी थोड़ी क्वांटिटी ही बहुत है। इसके बाद है जी मेरे पास इनकी बीबी क्रीम एज अ फाउंडेशन, स्टूडियो फोटोजेनिक फाउंडेशन विद एसपीएफ 15, और मेरे पास इसका शेड है 104। इसकी मैंने दरमियानी सी क्वांटिटी ही ली है। इसकी कवरेज की बात करें तो मीडियम टू हाई है। फार्मूला इसका थिक है। लगाने के बाद आपने फौरी वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड करना होगा। मैं यहाँ पर इनके ब्रश के साथ इसे ब्लेंड कर रही हूँ और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो भी रहा है। ये फाउंडेशन स्किन को सिल्की स्मूथ बना देगा और स्किन फ्लॉलेस नजर आएगी। इसे अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद मुझे कुछ इस तरह की फिनिश अचीव हुई है। अब अगेन सेटिंग के लिए फेस पाउडर यूज करूंगी, क्योंकि गर्मियों में पसीने का भी चक्कर रहता है और फेस पर लाइंस भी आ सकती हैं। इन शॉर्ट, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए यूज कर रही हूं। अब आ गया जी एक और खूबसूरत पैलेट, 10+10 मैट ब्लश मेकअप किट। एक्चुअली ये मजे मजे के कलर्स ब्लश ऑन के लिए भी यूज किए जाएंगे और साथ में कंटूर का काम भी हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं एक कलर चूज करूंगी, कुछ पीच टाइप। फाउंडेशन के बाद पूरे फेस का कलर एक सा हो जाता है। सो इसको थोड़ा पिंकिश शेड देने के लिए चिक्स पर इसको यूज करूंगी। ये लें जी, ये फाइनल लुक। अच्छा जी, ये पैलेट बहुत जबरदस्त है और मैंने कंटूर यहाँ पर नहीं की, फेस को थोड़ा इनोसेंट दिखाने के लिए शार्प नहीं किया। अगर आपको जरूरत हो तो इसी पैलेट से कंटूर भी किया जा सकता है। फिर लें जी वही छुटकू सा हाइलाइटर और हाइलाइटेड एरियाज पर अप्लाई कर लूंगी। अब है जी लिप्स की बारी। लिपस्टिक लगाने से पहले मैंने इसको लिप पेंसिल से शेप दी है, और इस लिप पेंसिल का शेड है जी 27, क्योंकि लिपस्टिक का पैलेट क्रीमी सा है, इसके आउट होने का डर रहता है। अब है जी बारी मैट 15 कलर लिप क्रीम मेकअप किट की। बड़े मजे के कलर हैं यार इसमें। मैंने इसमें से ये वाला चूज किया और क्रीज के अंदर अंदर अप्लाई कर लिया। वैसे बड़े मजे की प्रोडक्ट है, एक ही पैक में आपको काफी सारे शेड्स मिल जाएंगे। सो लिप कलर शलर आप देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। मेकअप हमारा हुआ खत्म। इसके बाद बारी आती है जी सेटिंग स्प्रे की। टीवी पार्लर का जीरो सीबम मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे, ये इस तरह की खूबसूरत सी बॉटल में है और बहुत ही रिफ्रेशिंग सा भी है। इसे आंखों पर यूज नहीं किया जाता, इसलिए मैंने आंखों को कवर कर लिया है।
अब हो गई जी हर चीज कंप्लीट। लुक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक चीज किस तरह से मैचिंग करके सिलेक्ट की गई है। जाहिर है ईद की लुक है भाई। बहुत उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ऐसा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर किया जा सकता है अपने प्यारों के साथ, ताकि ईद पर वो भी कुछ खूबसूरत सा बनकर आप लोगों को फोटो पोस्ट कर सके। आना जाना तो अब घरों में बहुत मुश्किल हो गया है इस कोरोना के टाइम में, लेकिन मोबाइल तो है ना, इंटरनेट तो है ना, मतलब सोशल मीडिया तो है ना, सब कुछ किया जा सकता है। सो इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगी कि आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।